नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। खबर है ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ से। असम में 80 नगर पालिकाओं के 920 वार्डों के 2027 उम्मीदवारों के लिए गत 6 मार्च को आयोजित चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हुई, मतगणना जारी है। ऐसे में ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ नगर पालिका के सभी वार्डों के नतीजे भी लगभग घोषित हो चुके हैं। डिब्रूगढ़ नगर पालिका में इस बार भी भाजपा प्रत्याशियों ने लगभग सभी वार्डों में भारी व्यवधान से जीत हासिल की है। आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ नगर पालिका चुनाव में सबसे चर्चित वार्ड 11 के बीजेपी प्रत्याशी उज्जवल फूकन ने भी भारी मतांतर से जीत दर्ज की है। उज्जवल फूकन को कुल 732 मत मिले, जबकि आपके प्रत्याशी को महज 82 और कांग्रेस के प्रत्याशी को 130 वोट मिले। निर्दलीय प्रत्याशी राकेश शाह को 428 मत हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे। आपके चहेते दल के प्रत्याशी आशुन रूप जीत से 11 नंबर वार्ड के खुशी की लहर छाई है। लोग एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए जीत का जश्न मना रहे हैं। विजयी प्रत्याशी उज्जवल फूकर ने 11 नंबर वार्ड के समस्त निवासियों के आभार प्रकट करते हुए अपने वादे पे खरा उतरने की बात कही। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।